हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका एजुकेटर मिस्टर वीरेन सिंह। होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। आज हम जुड़े हुए इस पर्टिकुलरली वीडियो में और देखने वाले हैं कुछ स्पेसिफिक चीजें कि आप क्या कर सकते हैं और किस तरीके से जो है समझ सकते हैं। तो जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक है कि CSIR नेट क्रैक करने के क्या फायदे हैं। आखिर हमने पिछले वीडियो में देखा था कि CSIR नेट क्या है, आखिर क्रैक करेंगे तो फायदे क्या क्या है, उन्हीं के ऊपर आज चर्चा करने की कोशिश करते हैं कि CSIR नेट क्रैक करने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। फिलहाल के लिए जब हम बात करते हैं तो CSIR नेट क्रैक करने के जो फायदे हो सकते हैं, सबसे पहला तो कि आपको फेलोशिप मिलती है। क्या मिलता है? JRF मिलता है, फेलोशिप मिलती है। तो ये फेलोशिप जो है वो आप पा सकते हैं। फेलोशिप कितनी मिलती है, क्या मिलती है, इनके ऊपर हम बात करेंगे अगले वीडियो में विस्तार से। फिलहाल के लिए जो है CSIR नेट क्रैक करने का दूसरा फायदा है कि आप LS यानी लेक्चरारशिप, कहीं पे लेक्चरार बन सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तीसरा, कई सारे यूनिवर्सिटीज में जो है CSIR क्वालिफाई करने के बाद असिस्टेंट असिस्टेंट प्रोफेसर, जैसे कि लेक्चरारशिप की बात करते हैं, तो वो बनने के चांसेस हैं। आप क्वालिफाई करिए और लेके जाइए अगर आप इस पे हैं। कुछ इंस्टीट्यूट्स में जो है साइंटिफिक ऑफिसर्स के पोस्ट आते हैं। कुछ इंस्टीट्यूट्स और लैब्स में कैसे आते हैं साइंटिफिक, कुछ R&D इंस्टीट्यूट्स में साइंटिफिक ऑफिसर्स के, ग्रुप बी के, तो उन पोस्ट के लिए भी कभी कभी CSIR एलिजिबिलिटी की जो कंडीशंस है वो ये लोग मांगते हैं, तो उससे जो है वो भी आप यहां से अचीव कर सकते हैं। साथ में जो है ये आपके कह सकते हैं कि पर्सनल अचीवमेंट के जैसा भी है। अपने आप में CSIR क्वालिफाई करना एक पर्सनल अचीवमेंट से, अब पर्सनल अचीवमेंट भी कर सकते, मतलब ऑब्वियसली बात है बड़ा एग्जाम है, इंडिया में लगभग तीसरे चौथे नंबर पे टफेस्ट एग्जामिनेशन में से आता है CSIR एग्जाम, तो उनमें से आपका JRF मतलब फेलोशिप, JRF का मतलब PhD, PhD करेंगे तो मोस्टली CSIR PhD करेंगे इंडिया में। अगर आपको अब्रॉड करना होता है तो यहाँ पे जो PhD होती है वो अब्रॉड में ज्यादा हेल्प नहीं करेगा, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट आपको बिल्डअप तो कर ही देगा, डायरेक्टली नहीं हेल्प करता बट इनडायरेक्टली ये जो है अब्रॉड में भी हेल्प, अगर आप तैयारी कर रहे हैं क्रैक कर रहे हैं तो एक एकेडमिकली आप अपने आप को बूस्ट कर पा रहे हैं। पर्सनल अचीवमेंट के साथ साथ ये एक रिज्यूमे स्ट्रांग पॉइंट हो जाता है, या जो आप CV बनाते हैं उसके लिए एक स्ट्रांग पॉइंट है कि यस यू आर क्वालिफाइड। जब भी आप कहीं पे किसी भी पोस्ट के लिए देंगे तो आप ये मेंशन कर सकते हैं। साथ में जो है कहीं पे भी बहुत जगहों पे R&D लैब्स होती हैं, उनमें भी जो है इसका थोड़ा सा रोल आ जाता है, कंपलसरी तो नहीं बट थोड़ा बहुत रोल्स जो है वो आ जाते हैं। बायोलॉजिकल फील्ड में जो है कुछ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है, PSUs है, मतलब गवर्नमेंट PSUs, इनमें जो है कभी कभी अगर कुछ रिक्रूटमेंट के जो पोस्ट निकलते हैं तो उन पोस्ट पे जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करेंगे तो CSIR की हेल्प मिल सकती है। तो ये कुछ बेसिक से फंडामेंटल्स यानी कुछ बेसिक से फायदे मैंने लिखने की कोशिश करे, जहां से कि आपको ये समझ में आए कि ये डायरेक्ट फायदों में से हैं कि JRF क्वालिफाई करेंगे तो पैसे मिलेंगे भैया, फेलोशिप LLS असिस्टेंट प्रोफेसर बनने में हेल्प है, साथ में इसके अलावा जो है साइंटिफिक ऑफिसर्स के पोस्ट, पर्सनल अचीवमेंट है, रिज्यूमे बिल्डर है, R&D लैब्स, PSUs, ये सब तो कुछ एकेडमिकली फायदे हैं। कुछ मेंटल फायदा ये भी हो जाता है कि जब भी आप CSIR करते हैं तो ऑब्वियस ही बात है कहीं ना कहीं आपका एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बन जाता है कि आप एक एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो पीक पे होता है, आप दूसरे एग्जाम भी आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। इट इज द ओशियन ऑफ एग्जामिनेशन इन द फील्ड ऑफ लाइफ साइंसेस, ठीक है ना, तो ये चीज होती है। इसके साथ साथ जो है अगर आप CSIR क्वालिफाई करते हैं तो कॉन्फिडेंस जो आपका बिल्डअप होता है, साथ में ताने बंद हो जाते हैं इनडायरेक्ट, जो आस पास के ताने सुनने को मिल रहे थे कि बेटा कब से तैयारी कर रहे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें जो है अगर सुन रहे हैं तो उसके लिए ये फायदे हो सकते हैं। इन सब के अलावा तीसरा इंपॉर्टेंट चीज जो आपके पर्सनल लेवल पे बात करते हैं, यू विल फील रिलैक्स्ड, नॉट कंप्लीटली बट कई दिनों से जो आप तैयारी करते हुए जद्दोजहद फील करते हैं, बहुत ही ज्यादा टेंशन में रहते हैं, उसके लिए आप थोड़ा सा रिलैक्स फील करेंगे अगर आप ये कर पाते हैं तो। तो ये कुछ बेसिक से फायदे मैंने बताने की कोशिश की है कि CSIR क्वालिफाई करने के या क्रैक करने के क्या फायदे हैं।
इन फायदों से जो है क्या होगा, ये जानने के बाद हो सकता है कि आपके मन में थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हो, क्योंकि जब हम प्रॉफिट देखते हैं तो हमारे मन में इंटरेस्ट डेवलप होता है, और जब हमारे मन में इंटरेस्ट डेवलप होता है तो हम किसी चीज में काम करने का मन लगता है, और मन लगता है तो जो लोग क्वालिफाई कर चुके हैं दैट्स बढ़िया है, जो नहीं कर रहे हैं क्रैक करने के भी फायदे हैं, ना क्रैक करने के भी फायदे हैं और क्रैक करने के भी फायदे हैं, तो ये क्रैक करने के कुछ फायदे थे। ये वीडियो अच्छा लगा बताइए जरूर कमेंट बॉक्स में, और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।